नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए करते हैं खबर की ओर। मैं मोहम्मद आशिकुर रहमान चामा पंचायत का निवासी हूँ। मैं अपने ओर से हिंदुस्तान और दीगर तमाम लोगों को ईद मुबारक का बधाई देता हूँ और अल्लाह से विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मौला ताला सभी की ईद की नमाज को कबूल फरमाए। आगे मुझे कहना यह है कि आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी चल रहा है, इस अवसर पर सरकार का दिशा निर्देश आया है, सरकारी अमला, पुलिस प्रशासन, सारे लोग अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। इस बीच में अपने अपने घरों में चमा पंचायत सहित अन्य इधर के तमाम इलाकों में लोगों ने अपने अपने घर में नमाज अदा की, बारगाह में दुआएं मांगी और सभी के लिए दुआ किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़ी अफसोस की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी के बीच हम एक महीने का रमजान मुबारक पवित्र महीने में रोजा रखे, मगर ईद की नमाज सामूहिक तरीके से ईदगाह या मस्जिदों में नहीं पढ़ने दिया गया। मुझे इसके लिए घोर अफसोस है और मैं अपने ओर से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार के अंदर कोताही है कि शादी ब्याह के मौके पर रात दिन डीजे बज रहे हैं और डांस वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। शादियों में एक एक बारात में 50-50 बोलेरो करके लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में 100 और 200-500 की संख्या में लोग बारात जा रहे हैं और शादी में भीड़ लगा रहे हैं। उसके लिए कोई पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ काम करने को तैयार नहीं है, मगर आज हम लोगों का 30 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज पढ़ने का मौका आया तो चारों तरफ से हमें प्रशासन घेर लेती है और नमाज पढ़ने से रोक देती है। मुझे इसके लिए आज बहुत सदमा हुआ। इस कोरोना महामारी के अंदर ये मोहलिक जो बीमारी फैली हुई है, हिंदुस्तान के देखिए बड़े बड़े नदियों में लाश तैर रहे हैं और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में जो के लोग कहते हैं और ये हकीकत भी है, 80% लोग देहात में रहते हैं, मगर हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पेशका में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर ना तो कोरोना के जांच करने के किट है और ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना तो यहाँ कोरोना युक्त व्यक्ति के लिए कोई किसी तरह का व्यवस्था किया गया है, एक डॉक्टर भी नहीं है। और आज देहातों के अंदर भीड़ लगा लगा कर शादियों में इस तरीके से कोरोना का फैलाया जा रहा है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन या सरकारी अमला इसमें फेल नजर आ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सब लोग मर के एक साथ सब लोग जमीन में दफन हो जाएंगे तब हमारे लिए किट आएगी और दवाइयां आएगी और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी? झारखंड सरकार या भारत सरकार कोरोना महामारी को रोकने में कहीं ना कहीं विफल है, जिसके वजह से आज हमारा देश इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मैं और ज्यादा क्या कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो हमारे क्षेत्र में हमारे भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, मैं इसका घोर आपत्तिजनक जो हमारे साथ मामला हुआ, मैं इसका दुख व्यक्त करता हूं और पुनः मैं एक बार और अपने हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को, पुलिस प्रशासन को, सरकारी अमला को, ग्रामीण जनता को, चन्मा पंचायत के तमाम छोटे बड़े जनता को अपने ओर से मैं ईद की बेपनाह बधाई पेश करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस पवित्र में हम लोगों ने रोजा रखकर अपने मालिक के बारगाह में तमाम गुनाहों से तौबा किया। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आशिकुर रहमान चामा पंचायत के एक सच्चा सेवक।